News18, India. सुपर पावर अमेरिका, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इस वक्त बेबस दिखाई दे रहा है। अपने सैनिकों के ऊपर हुए हमले का बदला अमेरिका अब तक नहीं ले पाया है। देखिए, जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर हमला किया गया और इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, शहादत हो गई। इसके अलावा 25 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। हमला किया गया है ईरान की तरफ से, लेकिन अभी तक इसका बदला अमेरिका की तरफ से लिया नहीं गया है। और इतने शक्तिशाली देश का ऐसे खामोश रह जाना, सिर्फ बयानबाजी करके शांत हो जाना, किसी को पच नहीं रहा है। देखिए, जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर हमला किया गया जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की शहादत हो गई, कई जख्मी हो गए। और अमेरिका की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया कि ईरान समर्थित जो समूह है वही इसके लिए जिम्मेदार है। सीरिया की भूमि का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि जिस जमीन का इस्तेमाल किया गया जॉर्डन पर अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर हमला करने के लिए, वो सीरिया है। तो सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर आरोप तो लगा दिया गया और ये भी कह दिया गया, अमेरिका ने यह कहा कि जिसने भी हमला किया है उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेंटागन ने भी कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी तक कोई पलटवार नहीं किया है अमेरिका ने। बहुत बड़ी वजह इसके पीछे है। देखिए, इतना शक्तिशाली देश अमेरिका ईरान पर हमला करने से बच क्यों रहा है, इसकी 3 प्रमुख वजह है। कोई छोटा मोटा देश होता ना तो अब तक तो अमेरिका ने निपटा दिया होता, हमला कर दिया होता, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए होते। ईरान के ऊपर ऐसा नहीं हुआ। 3 प्रमुख वजह। सबसे पहली वजह यह है कि ईरान एक न्यूक्लियर देश है। किसी भी देश के साथ जंग लड़ने के लिए जितने जरूरी रसद की जरूरत होती है वो सब ईरान खुद बना सकता है। न्यूक्लियर पावर वो खुद है। तो हमला अमेरिका की तरफ से अगर होगा तो ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला है, चुप नहीं वो बैठने वाला है, पूरी तरह से हमला करने में वो भी सक्षम है। इसके अलावा अगर ईरान पर हमला करना है तो भाई किसी देश की जमीन तो चाहिए ही होगी, उसके भूभाग का इस्तेमाल तो करना ही होगा। अभी जो परिस्थितियां विश्व में बनी हुई हैं, इसराइल हमास युद्ध तो एक तरफ चल ही रहा है, उसी में अमेरिका को ये बड़ा झटका लगा है। तो ऐसी परिस्थिति में आसपास का कोई भी मुल्क अपनी जमीन देने के लिए अमेरिका को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि भविष्य में हम फंस सकते हैं। तो ये सबसे पहली वजह है, एक तो न्यूक्लियर पावर होना ईरान का, और वही दूसरी तरफ कोई भी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं करने देगा। अब दूसरी बड़ी वजह, पूरे विश्व के अंदर गैस की और तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ, ईरान बहुत बड़ा सप्लायर है, अगर ऐसा हुआ तो फिर उस स्थिति में पूरे यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अब तो अर्थव्यवस्था वैश्विक हो गई है। यूरोप पर संकट मतलब अमेरिका पर संकट, अमेरिका पर संकट मतलब यूरोप पर संकट, वो पूरे पश्चिमी देशों को लपेटे में अपने ले लेगा। और उधर संकट का मतलब हर तरफ संकट, अब पूरा ग्लोबलाइज हो गया है ना ये चीजें। तो अगर तेल और गैस की कीमतों में उछाल आता है, इसकी सप्लाई में किसी तरह की कोई अड़चन आती है, तो ऐसी स्थिति में जब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका भी उसकी जद में जरूर आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और तीसरी बड़ी वजह है, अगर हम बात करें साइबर स्पेस की, ईरान को उसमें भी महारत हासिल है। सन 2011 में अमेरिका के 40 से ज्यादा बैंक के ऊपर एक साथ हमला किया गया था ईरान की तरफ से, और ये वो समय था जब पूरा हैक कर लिया गया था सिस्टम ईरान के द्वारा, और कई बहुत समय तक अमेरिका के इन बैंकों को अपने कस्टमर को सर्विस देने में दिक्कत आई थी। इसके अलावा वहां की एक बड़ी तेल कंपनी के नेटवर्क के ऊपर ऐसे मैलवेयर हमला करके ईरान की तरफ से बहुत घंटे तक उनकी सेवा को प्रतिबंधित रखा गया था, और जो वेबसाइट थी उस कंपनी की, जो वेबसाइट थी उसके ऊपर अमेरिका का झंडा बहुत घंटे तक लहराता रहा, वो भी जलता हुआ, अमेरिका का जलता हुआ झंडा। तो ये स्थिति अगर एक बार फिर से हो गई तो फिर ऐसी स्थिति में तो जो नाक कटेगी अमेरिका की वो अपनी इज्जत पर साख पर बट्टा लगाना फिलहाल अभी नहीं चाहता है। तो ये तमाम वो बड़ी वजह है कि चेता तो दिया गया अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने इशारों में बता तो दिया कि हम जानते हैं भाई तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो और खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुरंत वो एक्शन नहीं कर पाया। कोई छोटा मोटा मुल्क अगर होता तो तुरंत अमेरिका ने अपने गुस्से को दिखा दिया होता, जाहिर कर दिया होता, और पूरी की पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाती अमेरिका के ही साथ, विश्व बिरादरी की अगर हम बात करें। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इराक समर्थित तमाम मुल्क हैं, यमन का नाम भी उसी में शामिल है, वो पूरा उनके खेमे को जोड़ सकते हैं, और वो सारे मुल्क मिलकर कैसी भी परिस्थिति में ईरान के ही साथ खड़े यहां पर दिखाई देंगे।
तो ये तमाम जो वजह है वो विश्व शक्ति अमेरिका को भी अभी खामोश रहने, शांत रहने पर मजबूर कर रही है। हालांकि ये मौजूदा स्थिति आने वाले वक्त में क्या दिखाई देता है, क्या अमेरिका भड़क जाता है या भविष्य में ही सही बदला इस हमले का वो जरूर लेता है, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी तो ये हमला करके अमेरिकी सैनिकों की शहादत होने के बाद भी किसी तरह का कोई नुकसान ईरान पर अभी नहीं दिखाई दे रहा।